सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय सेल्फ रीथ एंड यू आर वाचिंग अनदर अनफिल्टर्ड एंड आज मैं वापस आ गया हूँ एक नया फूड ब्लॉग लेकर। एंड आज हम लोग खाने वाले हैं फुचका, गोलगप्पा, पानीपुरी, आप जो भी चाहो कह सकते हो। एंड आज जो फुचका मैं खाने जाऊंगा वो कोई ऐसा वैसा फुचका नहीं है, ये टोटली हाइजीन मेंटेन करने वाला गोलगप्पा है। इसका लोकेशन है सिरमपुर स्टेशन से निकलते ही मानोसी बाजार आता है एंड उसके ऑपोजिट एक गली जाता है, उस गली में घुसते ही एकदम स्ट्रेट जाके एक रास्ते पे आप लोग ठोकर खाएंगे। जहाँ पर ठोकर खाएंगे उसके बाजू में ही है चाट फूट दुकान का नाम, एंड वहाँ का जो ओनर है उनका नाम है कौशिक गांगुली, जो कि पहले सऊदी अरब में रहते थे, वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे। इस शॉप का जो स्पेशलिटी है, यहाँ पर जो पानीपुरी का पानी मिलता है वो कोई हाथ से उठाए जाने वाला नहीं है, वो डायरेक्ट मशीन से निकलता है ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ पर एक सेंसर है, सेंसर के नीचे जब भी आपका हाथ जाएगा पानी ऑटोमेटिक गोलगप्पे में आ जाएगा। वहाँ बहुत तरह तरह के गोलगप्पे मिलते हैं, 6 टाइप्स का फ्लेवर भी है पानी में। एंड वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है पिज्ज़ा फुचका, फायर फुचका, सो कांट वेट टू हैव इट, लेट्स गो एंड हैव एंड लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर एडो। गाइस इट्स रेनिंग एंड आई एम गोइंग टू हैव फुचका। हाँ तो गाइज हम आ चुके हैं चाटपुट में एंड यहाँ का जो ओनर है उनसे कौशिक दा एंड उनसे पूछ लेते हैं कि इस दुकान का मतलब मोटिव क्या है, आइडिया कैसा आया एंड ये जो ऑटोमेटिक मतलब सेंसर वाला जो पानी निकल रही है मतलब इसका आइडिया कहाँ से आया कौशिक दा? तो इसका पीछे हिस्ट्री है, तो पिछले साल मैं सऊदी में काम कर रहा था, मतलब इन 2020 तो वहाँ पे मैं देखता था कि सब कुछ हाइजीन वे में फूड सप्लाई सर्व किया जाता है। अच्छा, तो वहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है या रेस्टोरेंट फूड है सभी कुछ में हाइजीन मेंटेन किया जाता है, लोग बहुत हाइजीन के बारे में कॉन्शियस है। अनफॉर्चुनेटली मैं सोचा कि यहाँ पे भी हाइजीन मेंटेन नहीं होता है तो फिर क्यों ना उसको यहाँ पे लाए। तो मैं सऊदी में कोई होटल में लाइन में नहीं था, मैं था इंजीनियरिंग लाइन में। अच्छा, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम करता था मैं एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर। तो वहाँ पे मैं कोरोना के टाइम पे तो मुझे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना फुचका जो आइटम है सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक चीज जो माना जाता है हमारा एरिया में उसको क्यों ना हाइजीनिक वे में सर्व किया जाए, हाइजीनिक किया जाए। तो हाइजीनिक वे में सर्व करने का ये तरीका मुझे सऊदी अरब आया, वहाँ पे देखा मैं तो इसको इनकॉर्पोरेट किया यहाँ पे अपना एरिया में। तो मैं रिजदा में रहने वाला हूँ, रिजदा में जगह मिला भी नहीं तो फिर सिरमपुर में ये स्टॉल ओपन किया। दैट्स नाइस। हाँ तो कौशिक दा यहाँ का जो अट्रैक्टिव मेनू या फिर यहाँ का मेनू मतलब क्या क्या आइटम मिलता है? मेन अट्रैक्शन जो है ये मशीन के जरिए अलग अलग फ्लेवर का पानी से फुचका खाना, जो कि हम लोगों को रास्ते का फुचका में नहीं मिलता है। ऑफकोर्स रास्ते का फुचका में एक अलग सा फ्लेवर है, उसको हम लोग मानते हुए एकदम बचपन से कि उसका एक अलग सा टेस्ट है, उसका एक अलग मज़ा है एकदम। इसमें जो मज़ा है कि अलग अलग फ्लेवर में पानी दे के, जैसे कि कच्चा आम, ग्रीन मैंगो में मैंगो का पानी से फुचका, मतलब हम लोग अभी तक फ्रूट जूस खाए थे ग्रीन मैंगो में, लेकिन फुचका में ग्रीन मैंगो, फुचका में ग्रीन मैंगो का पानी, तो आके ट्राई करना है ऐसा बात है एकदम। और तो है उसके बाद अलावा जो पानी फुचका के अलावा चटनी फुचका, दही फुचका, पिज्जा फुचका, पिज्जा फुचका, नूडल्स फुचका, और तो और चाइनीज सूप के साथ फुचका, सूप के साथ फुचका, गरम सूप, फुचका के अंदर स्टफिंग भर के गरम सूप दिया जाता है, ऐसा भी आइटम है हमारे पास, खिलाया भी है हम लोग मांचाओ, हॉट मांचाओ सूप के साथ फुचका। तो एक एकदम कम्प्लीटली न्यू और इनोवेटिव आइटम जो कि गूगल में भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, कभी नहीं मिला ऐसा एक आइटम से आइटम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं हम लोग, तो फिर आके ट्राई करके हम लोगों को बताइए आप लोग कि क्या एक्सपीरियंस है। हाँ तो गाइज एक्सपीरियंस तो अभी खा के हम बताते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, एंड यहाँ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट सिरमपुर में। एंड इसका प्रॉपर लोकेशन मतलब एड्रेस क्या है? अगर आप सिरमपुर स्टेशन से आते हैं तो फिर मानसी बाजार का उल्टा तरफ जो मदन रेस्टोरेंट है उसका पास में से एक गली निकलता है, वो गली में से जाके जो रास्ता आके 3 रास्ता का चौक चौड़ाई पे आता है वहाँ पे ये दुकान है। और अगर आप बीपी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जीटी रोड से अगर आते हैं तो जीटी रोड से वो मियाँ अमोरे स्टॉल का पास में से जो गली घुसता है वो गली से आके 3 रास्ता का मोड़ पे आके वो ये स्टॉल मिलेगा। हाँ तो गाइस आप लोगों को पता चल गया यहाँ का एड्रेस क्या है, फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू मस्ट विजिट हियर। हाँ तो गाइस हमारे पास आ चुका है स्पेशल हाइजीनिक फुचका जिसमें 7 पीस फुचका रहता है, एंड फेस्टिव सीजन के लिए हमारे पास आ चुका है 8 पीस फुचका। एंड अब इसमें हम लोग देंगे 6 टाइप का पानी से आप लोग फ्लेवर ले सकते हो, 6 फ्लेवर्स का पानी, एंड इसको ट्राई करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो पहले हम लोग ट्राई कर लेते हैं जलजीरा फ्लेवर,
जैसे कि मैंने बताया वो था जलजीरा फ्लेवर। एंड जलजीरा जैसे आप लोग सभी जानते हैं एक खट्टा सा फ्लेवर आता है, एंड वो एग्जैक्टली आया। अब नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे पुदीना कोरिएंडर फ्लेवर। परफेक्ट टेस्ट गाइस, एकदम पुदीना का भर भर के फ्लेवर आ रहा है। इस मशीन का एक स्पेशलिटी यह है इसमें सेंसर्स है, आप जब भी ये पानी पूरी उसके सामने ले जाएंगे पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा, दैट्स इम्प्रेसिव। अब नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे फ्रेश गार्लिक फ्लेवर। ऑब्वियसली गार्लिक फ्लेवर आ रहा है एंड टेस्ट एकदम हटके, मतलब हम लोग नेचुरली जो खाते हैं जो इमली फ्लेवर रहता है एंड ये गार्लिक फ्लेवर है, एक अलग सा चस्का लग रहा है खाने में। अब नेक्स्ट हम लोग खाएंगे ग्रीन मैंगो फ्लेवर। एकदम ग्रीन मैंगो, अब तक हम लोग फ्रूट जूस में खाया है लेकिन फुचका में ग्रीन मैंगो, अनबिलीवेबल गाइस, जस्ट ऑसम। अब नेक्स्ट हम लोग खाएंगे गुपचुप फ्लेवर। एक स्वीट एंड सार सा फ्लेवर आता है एंड सभी फ्लेवर्स डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट दे रहे हैं, मतलब आप खा के एकदम बोर नहीं होंगे। ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बाहुबली सुपर फ्लेवर, एंड ये फ्लेवर बहुत स्पाइसी है जो लोग कहते हैं, तो इसको खा के देखते हैं कितना स्पाइसी है। बहुत स्पाइसी है गाइस, डोंट ट्राई दिस, मतलब ट्राई करना लेकिन जो ये लोग कहते हैं इसके बाहुबली सुपर के साथ गुपचुप मिला के खाना, स्पाइसीनेस थोड़ा कम रहेगा। मैं एक बार और खाता हूँ एंड अब इसको मिला के खाता हूँ, देखते हैं कि कैसा टेस्ट करता है। ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं लगा, स्पाइसी तो था लेकिन उनके साथ स्वीट भी था जो बैलेंस कर देता है टेस्ट को। हाँ तो गाइस हमारे पास आ चुका है पिज़्ज़ा फुचका जो देखने में पूरा पिज़्ज़ा जैसा है, एंड इसको खाते हैं देखते हैं ये क्या रियली पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट करता है, लेट्स ट्राई। दिस रियली टेस्ट लाइक पिज़्ज़ा, हाँ बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा नहीं है लेकिन आया है, मतलब पिज़्ज़ा का जो एसेंस है जो मतलब ओरिगैनो है, चीज़ है, पनीर है, कॉर्न है, ऑलिव है, मतलब पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट करता है। एंड यहाँ का एड्रेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आके ये ज़रूर टेस्ट करना। चीयर्स गाइस।
सो गाइज अब यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है, आज तक हम लोग फायर पान खाया लेकिन फायर फुचका कभी नहीं। अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ फायर फुचका, सो लेट्स ट्राई इट। एकदम फायर पान जैसा ही फ्लेवर आ रहा है, एक फुचका का अलग सा फ्लेवर आ रहा है एंड जो फायर पान में जो फ्लेवर आता है वो भी आ रहा है। मतलब कंपाइल करके जैसा टेस्ट आएगा ये वैसा ही टेस्ट है एंड ये सच में ऑसम टेस्ट है, जस्ट डू ट्राई इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया एंड आज जो मैंने फुचका खाया, जो गोलगप्पा पानीपुरी आप जो भी कहो, आज मैंने जो खाया लाइफ में कभी नहीं खाया था। तो कौशिकदा को हैट्स ऑफ जो ऐसा आइडिया कौशिकदा निकाला है इस कोविड सिचुएशन में भी, फुचका में जो हाइजीन मेंटेन करता है इसका आइडिया जो कौशिकदा को आया उसके लिए हैट्स ऑफ। एंड वहाँ पर तो काफ़ी सारे और फुचका थे लेकिन मैं सब खा नहीं पाया क्योंकि मेरा पेट पूरा भर गया है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम फिर से जाऊंगा एंड फिर से कुछ और ट्राई करूंगा। मेरा जो सेकंड चैनल है जनार्दन ऑफिशियल, जहां पर मैं लाइफस्टाइल ग्रूमिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा फुचका आप लोग को ज़्यादा पसंद आया एंड आप लोग ट्राई करना चाहेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन योर बाय, साइनिंग ऑफ।